मिल गेल कहीं कह दल हम समाज दुसाद मुसर छी मुसलमान छी त काटे का कथि करे बिठाय कुछ न छी जा 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 कहीं ओकरा जोड़े हम मुंह लगा लिए त उल्टे यहां के पिटाई भी लागत उल्टे यहां के पुलिस भी पकड़त और जब न्याय के लिए लड़ाई के बात करबे त मंत्री जी के फोन आते एसपी साहब के कहते से यहां के पिटले रहत ओकरा फोन वाला लगाते उल्टे यहां पर मुद्दा ठोके के काम हो हम सब ई कह लागे आयल छै कि अगर बहुजन एकता पार्टी के सरकार ए प्रदेश में आ गेलै गोली बंदूक चलावे के काम लाठी उठावे के काम गरीब बहिन बेटी के इज्जत लूटे के काम सरासर बंद होते जै प्रकार उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना के धरती कहे वाला उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के बेटा कांसी राम जी बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में पहले दर सरकार बना के और हजारों हजार गुंडा के जेल में फूसे के काम करके अब कांसी राम साहब के बेटा आई नेपाल के धरती पर राजा राम पासवान और हरिनंदन राम आ के वे शासन व्यवस्था ला के दे जय में गुंडा के गुंडैती न चलते डर और धाक धमकी से डरे वाला हम सब लोग न छे अरे जतेक लोग छे नेपाल में आई गौरव से कहे छे हम नेपाली छी ओकरा सब के जान लेवे के चाही कि अगर नेपाल में -40 डिग्री के सेंटीग्रेड में चीन के तिब्बत के सेना से 1300 साल बरिस पहले महाराज सहले से अगर लड़ाई न कैले रहती है तो नेपाल नाम के देश न रहती है आई नेपाल बचावे वाला महान पिता सहलेश क्या होला वही सहलेश महाराज के पार्टी में यहाँ जुटल छी गर्व के बात है घरी महिला के घर से न निकले दे वहन समय में माता फातिमा शेख जी घर घर में जाके महिला के आवाज उठावे के काम कहले और यहाँ के हक अधिकार बोले के लिए अधिकार दिले वो महान माता फातिमा शेख के पार्टी बहुजन एकता पार्टी है हम सब को लड़ाई कह रहे और न ठुकारे के खानदान न छी हम सब एलचा बेलचा न छी भगौरा न छी दूसरा के देश से आके दूसर जगह से आके हमरा यहाँ के बाप दादा के राज हरपे वाला लोग न छी हम सब अपना बाप दादा के ओरिजिनल बेटा ए देश के मूल निवासी छी और आवे वाला समय में ए देश में से विदेशी के शासन हटावे के है पहाड़ी मधेसी के सवाल में न उलझे के है पहाड़ी के नाम पर पहाड़ के विदेशी और मधेसी के नाम पर मधेस के विदेशी शासन कर रहा है और हमरा यहाँ के मधेसिया पहाड़ी के नाम पर भुला के और भटका के हमरा यहाँ के वोट लेने के काम कर रहा है पहाड़ी मधेसी हमर सवाल न है हमनी के सवाल रोजी रोटी कपड़ा मकान और हर आदमी के आत्म सम्मान मिले ये सवाल बहुजन एकता पार्टी के है पहाड़ी मधेसी के सवाल जयरेसिया से आके हमरा यहाँ के रात छीन ले ले है वही आदमी के पहाड़ी मधेसी के सवाल है अब यहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद देवे लगी चाहे छी बहुत चीज कहे के विचार रहला लेकिन अहिबे के मुसार और भूजेल के जे भाई मारल गेल है और जे अजय महाराज के बेपत्ता काल है और पुलिस के मिलो मतों में अजय महाराज के केस के दबावे के जे काम कर रहा है वही केस के खिलाफ में हम सब मलंगा में आंदोलन कहले छी और एबा से जाके वही आंदोलन में भी सहभागी हो के है न्याय दबावे के है आई देश में गरीब मजलूम समाज के लेल फिर संवाद में कही थी एमाले कांग्रेस माओवादी सब यहाँ के ठगे के काम कहले है मधेसी दौर सबसे ज्यादा ठगे के काम कहले है अगर मधेसी के ठगे के लिस्ट देखल तो ये तो भी मंत्री यहाँ के दलित समाज के न मिलत अगर यहाँ देखबे नौकरी में नगर पालिका के वार्ड से लेके मेयर साहब के ऑफिस के वरी परी भी जतेक नियुक्ति मिलल है एगो भी गरीब के बेटा के नौकरी न मिलल है अगर गरीब के बेटा के शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और नौकरी लेवे लागी चाहे छी यह बात यहाँ के अनुरोध करी छी चाहे जितना लोग यहाँ के भड़का देवे अपनी बेर दारू पैसा लेना नहीं और चोर को वोट देना नहीं चोर के वोट देवे से सावधान हो जाओ जे यहाँ के लड़ाई लड़ते आ रहा है पहचानो हमर समाज के लोग आहा सब पहचाने में गलती करी छी सब यहाँ के आँख से आंसू गिरिया जब यहाँ के ज्योति पासवान के माई के आँख से आंसू गिरी छे अजय महाराज के माई के आँख से आंसू गिरी छे जब अजय राम के माई बाप छिछियाई छे तो ओती बड़ी आंसू पूछे के काम कोनो यहाँ के महाजन कोनो यहाँ के कम्युनिस्ट
कोई वहां के कांग्रेस न करिए, वहां से पूछे के काम हम सब करी छी। अगर यहाँ बेटा से बेईमानी करबे, बेईमानी के फल मिल रहा है और मिलित रहा। बेटा से बेईमानी न करे के एमाले कांग्रेस माओवादी नेता के पार्टी है, बहुजन एकता पार्टी यहाँ के बेटा के पार्टी है, और बेटा के साथ बेईमानी न हो के चाहिए। हरेक माई के हम सब जहाँ जहाँ भी सकल छी, जो जो दुख पीड़ा में खड़ा हो के पड़ल है, चाहे पहाड़ के पीड़ा हो, चाहे मधेश के पीड़ा हो, हम सब यहाँ के आँख के आंसू पूछे के काम कर ले छी। भरसक हो सके कि यहाँ के व्यक्तिगत को इसे लाभ न मिलल हो, लेकिन समाज के हित में, समाज के हित में हर जगह पर खड़ा हो वाला नेता अगर कोनो मिले तो बहुजन एकता पार्टी के नेता ही मिले छे। आंख खोल के देखम, भूलल भटकल जैसन काम न करम। आई के चलते अपनी बेर बार बार भूल गेल छी, लेकिन अपनी बेर महान संसद में जहाँ यहाँ के आवाज उठे के चाहिए, चाहे वो गांव पालिका के संसद हो, नगर पालिका के हो, चाहे प्रदेश के हो, चाहे संघ के हो, जे हिसाब से अपने सब तिनबिकी फील्ड में ऐतिहासिक रूप से जेकरा बड़का बड़का कहे ओकर पार्टी वाला सब न भर सकले, लेकिन ईश्वरपुर के हजारों हजार जनता जाके मलंगवा में सबसे बड़का कार्यक्रम करे के काम कैली और फील्ड भरे के काम कैली। वही तरह से आने वाला समय में जो इलेक्शन हो छे, वही इलेक्शन में श्री छाप में वोट दे के आहार सब नगर पालिका के परिषद के बहुजन एकता पार्टी के दलित पिछड़ा और मुसलमान से भर दू, हमारा यहाँ के लिए सबसे बड़का वरदान साबित होते। ये चीज यहाँ के अनुरोध करे के लिए आयल छी। बहुत सुंदर बात आ सब हमारा सुन ली। अंत में कबीर साहब के वो बहानी कह दे छी। कबीर साहब कहलके, आए एक ही देश से उतरे एक ही घाट, हवा लगे संसार की तो हो गई बारह बात। सब मनुष्य एक होइ छै, सब मनुष्य एक होइ छै, जात पात ईश्वर के बनायल न है, धर्म पर ईश्वर के बनायल न है, ये मनुष्य अपना फायदा के लिए बनायले है। जे जात पात के चक्कर में रहब ओकरा हम कहै छी में जते लोग बैठल छी सब या तो अल्लाह के माने वाला छी या तो ईश्वर के माने वाला लोग छी। ईश्वर अल्लाह दोनों में कोनो भी मनुष्य के ऊंच नीच न बनेले है। अगर यहाँ के कोनो नीच कहिया, कोनो नीच जात के कहिया, कोनो महिला कह के हेपिया, एकर मतलब वो अल्लाह के भी दुश्मन है और ईश्वर के भी दुश्मन है। जे यहाँ के नीच छोट कहिया वो भगवान के दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन होले। अब दिल में ये बात संजोग के जाओ, जे यहाँ के दलित कहिया, अछूत कहिया, मुस्लिम कहिया, ओहन जात के लोग के वोट न दे, क्या तो अल्लाह और ईश्वर दोनों के दुश्मन होइ छै, वो दोनों के दुश्मन है। अगर यहाँ एक गरीब छी तो भगवान और अल्लाह दोनों के दुश्मन के वोट देते आयल छी। ओहि के कारण से अल्लाह के कहर भी और ईश्वर के कहर भी हमरा सबके ऊपर पड़ल है। अल्लाह के कहर से भी, ईश्वर के श्राप से भी बचे लागी चाहे छी। जे यहाँ के मुसलमान और दलित कह के भेदभाव करिए, छुआछूत करिए, ओकरा न वोट दे अपनी बेरी। अहा भाई हमनी के चाचा अहमद जी के पार्टी के बहुत वफादार लोग छथ, अहाँ के हक अधिकार के काम करिए। अहाँ सब घर रहै छी लेकिन यहाँ के आवाज जगह जगह पर जाकर उठबिए। अहमद जी के अपनी बेर बहुजन एकता पार्टी यहाँ के अध्यक्ष बने के लिए प्रस्ताव कैले है। अहाँ के हक अधिकार में हम सब लड़ रहल छी। अहाँ सब अगर हमनी के आशीर्वाद देवे लागी चाहे छी, अहमद अंसारी के वार्ड अध्यक्ष के रूप में वापस कर देब। ये आशीर्वाद होले। जय भीम, जय मूल निवासी, धन्यवाद। धन्यवाद हमारा।